गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रोड रेंजर। तो गाइस आज हमें इस टाइम अयोध्या में, आज इस ट्रिप का हमारा लास्ट डे है फ्रॉम अयोध्या टू फरीदाबाद। ये हमारा रूम था, तीन ऊपर सोए थे और ड्राइवर नीचे सोया था। बस अब साहिब नहा रहा है, लक्की तैयार हो रहा है, मोनू रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। अब बस चल रहे हैं नीचे सामान वामान ले कर सारा, फिर चेकआउट करके यहाँ पर देखो 10:20 हो गए हैं। तो जो बंदे ये कहते हैं ना कि भाई ये सुबह सुबह उठ के भाग गया था 6 बजे 7 बजे, तो देख लो भाई तुम सारे आके खोल के 10:22 टाइम हो रहा, 10:30 भाई। होटल से व्यू है अपने बाहर का, ये खड़ी गाड़ी अपने सामने और वहाँ ऊपर जाके हमारा रूम था और हम चले भाई नीचे रिसेप्शन पे। भाई गाड़ी की हालत देखो एक बार, हालांकि लास्ट व्लॉग मैंने गाड़ी साफ भी करी है फिर भी हालत अभी खस्ता ही है। भाई ये पूरा हाईवे अपना जो कि जा रहा है क्या नाम था इसका, गोरखपुर, गोरखपुर से सीधा दिल्ली अयोध्या होते हुए। भाई ये अपना होटल था, होटल शगुन। भाई रात को हमने होटल किया 2:30 बजे रात को ना, एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है, हम जिस होटल में भी जा रहे थे ना भाई, छोटे छोटे इतने मच्छर इतने कीड़े कि साला हम कमरे के अंदर जाएं बैठे उठ के बाहर आ जाएं, फिर होटल में जाएं देखें फिर मच्छर फिर बाहर आ जाएं। तो भाई कल होटल ढूंढते हमको एट लास्ट 2:30 बजे कल ये होटल मिला, होटल शगुन। तो इसलिए भाई कल मैं लास्ट व्लॉग में वीडियो एंड नहीं कर पाया, इसलिए भाई बहुत तगड़ी नींद आ रही थी मेरे को। अब गाइस टाइम हो रखा है भाई सुबह के 10:30। चलो गाइस सब निकलते हैं। मौसम खोला पड़ा है, क्या बढ़िया मौसम हो रहा था। कर देना, हाँ अब देखते हैं कितने बजे तक हम पहुंचेंगे भाई घर। अब ये देखो घर पे मैं जाके ना बच्चों को सरप्राइज दे रहा हूँ, आज उनको पता नहीं क्या मैं आ रहा हूँ। भाई डीजल आया हमारा पूरा 4250 रुपये का। चलो भाई चले, ये बिल्कुल आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जस्ट हमने पहले गाड़ी रोकी है क्योंकि तो भाई वहाँ पर ना कुछ मिलता नहीं है। चलो भाई चलो करो पास। भाई वो खड़ी गाड़ी सामने तो दुकान पहले ना, सामने भी देखो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत है खाने पीने का, लेकिन स्नैक्स हैं बस। अरे क्या बात है, क्या बात है, दुकानें ये भी थी बट हमने गाड़ियाँ खड़ी करके हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे यहाँ पे शुभ फैमिली ढाबा। पैसे भी बाहर से आ जाएगी, अपना बना ले टीवी पे बताइए। पतला रखियो आटा, बहुत मोटा मत करियो, पतला तवा ही हो जाता है। तवा तवा क्या 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 बोल रहा है? आलू प्याज पराठा वो मिलता है, चिकन पराठा, चिकन पराठा शुद्ध शाकाहारी में, शुद्ध शाकाहारी। हाँ चलो शाकल खाइए क्या, चलो सीधा खाने के बाद मिलते हैं। सीधा खाने के बाद बहुत भूख लग रही है। We are done with the lunch। चल रहे हैं यहाँ से, चल रहे हैं एक्सप्रेस वे पे। ये आ गया भाई आगरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। क्या आ गया? चलो भाई अब नॉन स्टॉप चलेगी गाड़ी यहाँ से सीधे आगरा तक। तो ऐसा हाईवे पूरा लखनऊ का ऐसा, अब गाड़ी की स्पीड देखो, रूल लगाया हुआ है
आराम से बैठे हैं रिलैक्स। भाई बहुत ही लंबा और बोरिंग हाईवे जो कि लखनऊ आगरा हाईवे है, काफी हमारा समय बचा भी देता है। तो पूरे 3:10 पे हम आगरा लैंड कर चुके हैं। लैंड आगरा मटर भी दे दिया बच्ची कुछ, पार्किंग पैंजर को जीरो कर देनी है। चलो भाई भाई टाइम हो गया 3:15, एक अपना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे खत्म किया है और अब एंट्री करने लगे हैं भाई ये अपना नोएडा वाले एक्सप्रेस वे पे, यमुना एक्सप्रेस वे से एंट्री करने लगे भाई। सामान समून ले लिया अपना खाना पीने का, अब निकल चुके हैं आगे यमुना एक्सप्रेस वे पे। भाई ये हम कट लिए अब यहाँ से बाहर पलवल है। हाँ। मैं सोच रहा हूँ भाई 4:35 हो गए, गाड़ी लेके वाली फटाफट एक बैठ लेंगे। भाई 5:00 हरियाणा के अंदर एंटर कर लिया हमने वाया यमुना एक्सप्रेस वे, सीधा पलवल में गाड़ी उतरेगी और यहाँ से अभी लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है। 6:30 तक भाई अपना हम घर पहुँच जाएंगे। ये डीजल दोबारा भरा रहे भाई, डीजल बहुत लगा था, गाड़ी ने बहुत कम एवरेज दिया गाड़ी ने। अभी 6:45 और हम पहुंच चुके हैं अपने बल्लभगढ़ फरीदाबाद। बढ़िया रहा आज का रूट हमारा, सुबह निकले थे हम 10:30 अप्रोक्सीमेटली, अब लगा लो साहब 8 घंटे लगे ऑन एन एवरेज। ये हम लखनऊ से थोड़े से पीछे ही थे, एक तो लखनऊ बहुत जाम मिला, बाराबंकी से फरीदाबाद। भाई अपने शहर में आके ना खुशी अलग ही होती है। वैसे भाई चले कितना गंदा हुआ भाई, कहाँ गए थे हम, यहाँ रोड भी नहीं थी। जरा बाइक से उठ के बाइक चला रहे थे, माम स्कॉर्पियो चला रहे थे। सोच एक जगह जो तूने वो लकी कह रहा था ना, ले साहिब कह रहा, नहीं मैं ज्यादा बोला नहीं, मैंने कहा खामा का इज्जत खराब हो गया, बोलूंगा मैं नहीं सोचेंगे डर रहा है। लेकिन कसम से भाई अंदर से कह रहा भगवान इसकी अक्ल पे ऐसा कर दे कि वापस मोड़ ले गाड़ी। इतनी सी रोड, इतने बड़े बड़े पत्थर, टेढ़ी मेढ़ी, पता नहीं कह रहा चल ले। लेकिन सबसे ज्यादा मजा वही आया था, मजा तो आया था। लोकेशन वो इसी दगड़ी, और सबसे ज्यादा मजा भाई मेरे को कल रात को आया, 5 दिन बाद अच्छा वेज खाना खा भाई, वेज मिल ही नहीं रहा था। परेशान एक वो जयसवाल की पीली दाल रख ले। भाई मेन पहुंच गया, पूरा अपना बाटा चौक। ओके कोई नहीं, मैं कल ऑफिस लेंगे, रह भी गया तो। ओके भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई माफ नहीं करेंगे, पेनल्टी लगेगी। अच्छा लगा यार, बहुत बढ़िया, मजा आया, फिर बनाएंगे। अब फुल बना सी बैंक का था, चारों भाई है,
तो बढ़िया रहा भाई, तो मजा आया, मजा तो आया भाई। ठीक है बस भाई, मिलते मेरे। ओके ब्रदर, चलो भाई अब चलेंगे घर। भाई पहुंच चुके अपनी गली में, इतनी खुशी होती है ना भाई वापसी अपनी गली में आके। ओए होए 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 नज़ारे भाई। अच्छा भागे भागे आया था। अच्छा भाग के आ गया। तो गाइस यहाँ हमारा टूर होता है खत्म, जो कि इंडिया से नेपाल, नेपाल से दोबारा इंडिया। तो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग माई ऑल व्लॉग्स एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। सर खड़े जा, खड़े जा, चलो बाय कर दो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल इंडियन रोड रेंज। तो गाइस मिलते हैं अगले ट्रिप पे, जो कि हमारा होगा फ्रॉम इंडिया टू बैंकॉक, वो भी जल्दी आएगा। ओके चलो बच्चों बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बोलो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। ओके बाय, ऐसे बाय कर दो भाई। वेलकम टू इंडिया, नेक्स्ट डे भाई सुबह हो चुकी है और नेपाल ट्रिप हो चुका है ख़त्म। हाँ भाई गाड़ी की एक बार हालत देख लो, पीछे गाड़ी वॉशिंग करा रहे हैं। भाई पूरी वार्ड अंदर बाहर से पूरी वॉश करा के पूरी गंदी हुई पड़ी थी भाई, मैट वैट सब निकाल दिए उसमें से। हो गया भाई वॉशिंग गाड़ी की, एक नंबर लग रही है भाई ये गाड़ी, एक नंबर बिल्कुल टका चक।